नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PSTA क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में BTSC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, आखिर विभाग काउंसलिंग कब से है शुरू कर रहा है, मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहा है, अभी क्या अपडेट निकल के आई है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यह वीडियो उन ANM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हाल फिलहाल में 1 से 2 साल में ANM का डिग्री लिए हैं, GNM का डिग्री लिए हैं, वे सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। किन ANM की बहाली में दिक्कत होने वाली है, काउंसलिंग के समय दिक्कत होने वाली है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। जो 1 साल 2 साल पहले ANM GNM की डिग्री लिए उसके साथ क्या दिक्कत होने वाली है, अब वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एक पेपर कट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, GNM में दाखिले के नाम पर 100 छात्रों से 1 करोड़ की ठगी, जालसाज ऑफिस बंद कर फरार, न्यू बाईपास में 3 साल पहले दफ्तर खोला था, जो कि पटना का न्यूज है, देख लीजिए। जिस दिन से क्रेडिट कार्ड चला है उस दिन से ANM और GNM के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसके चपेट में अगर आप भी आ रहे हैं, जिस कॉलेज से आप GNM और ANM का डिग्री लिए हैं, उस कॉलेज के बारे में एक बार पता कर लीजिए क्या सरकार से रजिस्टर है या नहीं है। अगर सरकार से रजिस्टर नहीं है और फर्जी अगर सर्टिफिकेट आप लिए हैं, तो कल के डेट में आपका काउंसलिंग अगर होगा 10709 पोस्ट में ANM का, तो उस समय अगर आप डुप्लीकेट या फर्जी आपका डॉक्यूमेंट पाया गया तो आपको काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा और आप पर 420C केस भी लगेगा। बाई मिस अगर आपका काउंसलिंग हो भी जाता है, अगर आप जॉब करते समय पकड़ाते हैं तो जितना भी जॉब कीजिएगा उतना फाइन आपको लगेगा और उसके बाद आपको जॉब भी जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगेगा और केस भी फाइल होगा। तो दोस्तों ये सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 2 साल 3 साल में ANM का डिग्री लिए हैं, GNM का डिग्री लिए हैं, और जिस कॉलेज से आप डिग्री लिए उस कॉलेज के बारे में एक बार पता कीजिए जो वह बिहार सरकार से रजिस्टर है या नहीं है, या केंद्र सरकार से रजिस्टर है या नहीं है। अगर रजिस्टर नहीं होगा, आपका डिग्री मिला है वह सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, फर्जी है, तो कल के डेट में आप पर FIR होगा, आप पर मुकदमा चलेगा। और बाय मिस अगर आप जॉब कर लेते हैं तो फिर भी आपको दिक्कत है, क्योंकि जितना दिन जॉब कीजिएगा इंटरेस्ट के साथ उतना पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा और 420C का आप पर केस भी लगेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल के अंदर आप कोई भी कॉलेज से ANM और GNM की डिग्री लिए हैं, तो एक बार उस कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ 100 स्टूडेंट के साथ ANM और GNM स्टूडेंट के साथ 1 करोड़ की ठगी हुई है। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों, इस साइड देख लीजिए, ANM का डिग्री है, GNM का डिग्री है, जो कि ललन पांडे जो गिरोह था, देखिए ललन पांडे था जो 100 स्टूडेंट के साथ यह ठगी किया है, और कम ठगी नहीं किया है, एक देख लीजिए, हम ऊपर बता दिए सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, 100 करीब स्टूडेंट, देखिए पंजाब के बठिंडा स्थित गुरु नानक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM कोर्स में एडमिशन का झांसा देकर जालसाज और उनसे जुड़े लोगों ने करीब 100 छात्रों से करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी किया है। सोच सकते हैं, 100 रुपया मायने रखता है और 1 करोड़ रुपया का ठगी किया है। आगे देख लीजिए, छात्रों के अनुसार ललन विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी कोर्स जैसे BA, BCA, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, मेडिकल, प्रबंधन, विधि समेत 42 प्रकार के कोर्स के लिए बिहार सरकार की क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण दिलाने का वादा करता था। उसने इसके लिए हैंडबिल भी छपा रखी थी। दोस्तों अपना पंपलेट होता है हैंडबिल, वो भी छपा रखा था और झांसा दे के स्टूडेंट को उसमें फंसाया जाता था, और 100 करीब ANM और GNM स्टूडेंट के साथ यह धोखाधड़ी हुआ और 1 करोड़ रुपया का ठगी हुआ। और बिहार सरकार जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चला रही है, 4 लाख रुपया लोन दे रही है, तो बिहार सरकार के साथ यह ठगी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट उस कॉलेज से किए हैं, जो भी स्टूडेंट ललन पांडे से ANM और GNM के डिग्री खरीदे हैं, तो वे सभी स्टूडेंट के लिए आगे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो भी स्टूडेंट 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं ANM का, जैसे आपका काउंसलिंग अभी होने वाला है, उस समय अगर आप फर्जी पाए गए तो आप पर 420C का केस लगेगा। जो भी ANM का भी डिग्री लिए हैं, क्योंकि ANM का भी अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है 12,000 के आसपास,
उसमें भी आपके साथ दिक्कत होने वाली थी। जिस कॉलेज से एक बार आप किए हैं तभी आपके पास समय है, कॉलेज जाइए, कॉलेज के बारे में एक बार पता कीजिए जो यहाँ बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं है, नहीं तो आपका पेमेंट भी गया, समय भी गया और आपका जो सर्टिफिकेट मिला है वह डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट ललन पांडे के चपेट में आए हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा, यह वीडियो बनाने को वही रीज़न है जो NM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और आपके पास भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, नकली सर्टिफिकेट है, वे सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा उसके लिए क्या सलूशन है। तो उसके लिए हम एक सलूशन अलग से बता देंगे एक फ्रेश वीडियो बना के, जो ललन पांडे के साथ क्या होने वाला और किस किस कॉलेज के साथ यह धोखाधड़ी किया। तो जो भी स्टूडेंट है बेहिचक आप कमेंट करके बताइएगा, पर्सनली मेरा नंबर आपके पास, एक बार कॉल करके बताइएगा सर हम भी इसके चपेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने की यही रीज़न था, जो भी ANM GNM स्टूडेंट इसके झांसा में आ गए हैं सभी स्टूडेंट के पास डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आ गया, पेमेंट भी लगा और समय भी बर्बाद हुआ, वे सभी स्टूडेंट एक बार कॉल और मैसेज या कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि इस वीडियो में बताना जो चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले कि ठगी का शिकार वो भी आपका दोस्त हुआ है या नहीं हुआ। थैंक यू।